री एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर यदि आप नए हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग एक सैद्धांतिक किस्म के टॉपिक को व्यवहारिक टॉपिक से जोड़ करके इसे देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लिखा हुआ है टॉपिक का नाम समानता बनाम असमानता। तो थोड़ा सा हम लोग पहले समानता को देखते हैं कि समानता का जो प्रत्यय है, प्रत्यय का मतलब विचार है, जो आइडिया है, जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, वह वास्तव में क्या बताता है। दो रूपों में समानता को हम लोग देख सकते हैं। एक तो इसका शाब्दिक अर्थ हो सकता है जो कि सैद्धांतिक कहलाता है, और दूसरा थोड़ा सा इसके व्यवहारिक पक्ष को हम लोग देखेंगे और उसी व्यवहारिक पक्ष से जोड़ करके हम लोग असमानता को देखेंगे। और हाल फिलहाल में ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा जारी किए गए एक रिपोर्ट पर भी जो है नजर डालेंगे, जिससे थोड़ा सा भारत की स्थिति को लेकर के विभिन्न प्रकार के आंकड़े जारी किए गए हैं और सरकार से इसमें अलग तरीके की अपनी अपेक्षाएं की। समानता एक ऐसा प्रत्यय है, एक ऐसी अवधारणा है जो उस स्थिति व्यवस्था और प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है जिसमें समाज में रहने वाले लोगों के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाता है तथा सबके साथ जो है समान व्यवहार किया जाता है। यह समानता की अपनी एक सैद्धांतिक और शाब्दिक जो है परिभाषा और अर्थ है कि सबके साथ जो है समान व्यवहार किया जाना तथा किसी के साथ भेदभाव न किया जाना समानता के रूप में माना जाता है। लेकिन जब संविधान लागू हुआ या उसकी बात के समय में भी कोई भी कार्य है, किसी भी प्रकार का अवसर है, यदि सभी लोगों को समान रूप से या सभी लोगों पर उसे समान रूप से अप्लाई किया जाता है तो इससे देखा गया कि समानता को स्थापित करने का जो प्रयास था वो जमीनी स्तर पर आते हुए भी वांछित परिणाम नहीं प्राप्त कर सका, क्योंकि कई कार्यों में, कई पक्ष और पहलुओं में असमानता भी बढ़ती चली गई। जैसे अगर किसी तरीके के फिजिकल एक्टिविटी है, किसी सेवा के लिए शारीरिक मानदंड की आवश्यकता है, समाज में सभी लोगों की शारीरिक संरचनाएं एक जैसी नहीं है, कुछ दिव्यांग श्रेणी के लोग भी हैं या किसी सेवा के लिए आवेदन कर सकते हैं, अगर सबके लिए समान रूप से मानदंड निर्धारित किए जाते हैं तो निश्चित तौर पर यह कहीं ना कहीं समानता के ही नियम का उल्लंघन हो जाता है। इसलिए बाद में एक शब्द आता है अफर्मेटिव एक्शन या सकारात्मक कार्रवाई, इसको कह सकते हैं आप। सकारात्मक कार्रवाई, सकारात्मक कार्रवाई, या इसी को जो है अंग्रेजी में अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। अब ये अफर्मेटिव एक्शन जो है वो निरपेक्ष समानता पर आधारित नहीं है, बल्कि यह सापेक्ष समानता पर आधारित है। जैसे इसे हम लोग शब्दों में लिख देते हैं, निरपेक्ष समानता, और दूसरा हो गया सापेक्ष, सापेक्ष समानता, निरपेक्ष समानता और सापेक्ष समानता। निरपेक्ष समानता जो हमने पहली परिभाषा बताया कि सबके साथ समान व्यवहार करना और किसी के साथ भेदभाव ना करना, यह निरपेक्ष समानता की श्रेणी है। और दूसरी तरफ सापेक्ष समानता, यह इसी पर जो है सापेक्ष समानता पर ही आपके सकारात्मक कार्यवाही निर्भर करता है। सापेक्ष समानता यह बताता है या अफर्मेटिव एक्शन या सकारात्मक जो कार्यवाही की अवधारणा है वो सापेक्ष समानता पर आधारित है, और ये मानता है कि समानता सभी के साथ समानता नहीं है बल्कि समानों में समानता। समानों में समानता, ये सकारात्मक कार्रवाई पर आधारित है।
कि अगर समाज में सभी लोगों को एक समान मान लिया जाता है तो किसी भी निर्णय को क्रियान्वित करने में समस्या आती है, क्योंकि सबकी परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती हैं। चाहे वो कुछ आर्थिक आधार पर हो, चाहे शैक्षिक आधार पर हो, या चाहे शारीरिक संरचना और मानदंडों के आधार पर हो, सभी में समानता नहीं होती है। इसीलिए बाद में इस तरीके के कॉन्सेप्ट आए, और राजनीति विज्ञान में भी हम लोग पढ़ते हैं और संविधान में भी इस तरीके की बाद में जो है व्यवस्थाएं जो की गई कि सबके साथ समानता या सबको एक समान मानने के बजाय जो है समानों में जो है समानता की अवधारणा होनी चाहिए, तभी हम किसी निर्णय को, किसी भी प्रकार के पहल को, किसी भी प्रकार के अधिनियम को उसकी भावना के अनुरूप ही समाज में क्रियान्वित करने में सफल हो सकते हैं। इसलिए समानता की जो अवधारणा है वो पहले जहां शाब्दिक अर्थों में सभी के साथ समानता एवं किसी के साथ भेदभाव न करने के सिद्धांत पर आधारित था, वो बाद में आकर के समानों में समानता के सिद्धांत पर लागू हो जाता है। कि अगर किसी भी प्रकार का रूल रेगुलेशन बनाया गया, मान लीजिए दिव्यांगों के लिए सरकार ने सेवाओं में 3% आरक्षण की बात किया है, शुरुआती दौर में 3% आरक्षण की बात किया है, तो अब जितने भी प्रकार के दिव्यांग होंगे उन सभी के लिए ये 3% का आरक्षण उनके लिए सेवाओं में दिया जाएगा, और इसमें किसी भी आधार पर फिर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह बताता है समानों में समानता की अवधारणा। तो कुल मिलाकर के समानता का जो शाब्दिक अर्थ है वो पहले सभी के साथ समानता के साथ साथ बिना किसी भेदभाव के सबको एक मानता था, और बाद में जो समानता के अवधारणा को व्यापक रूप में प्रस्तुत करता है वो ये होता है कि राज्य को अफर्मेटिव एक्शन के अंतर्गत समाज के निचले तबके के लोगों को भी जो है समाज और विकास की मुख्य धारा में जोड़ना है। इसलिए समानों के साथ समानता की अवधारणा को अपनाना चाहिए, जिससे वह व्यक्ति या वर्ग जो विकास और समाज की मुख्य धारा से कट गए हैं उन्हें भी उनमें जोड़ा जा सके, जिससे समावेशी विकास के लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त किया जाना संभव हो सके। तो ये कहलाती है समानों में जो है समानता और सकारात्मक कार्रवाई, जो कि आप लोग जो है समझ चुके होंगे कि सकारात्मक कार्रवाई का क्या तात्पर्य है। अभी हाल में ही ऑक्सफैम इंडिया के तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है। ऑक्सफैम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो असमानता रिपोर्ट जारी करती है, और भारत के संदर्भ में भी हाल में ही एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह बताया गया है कि 1% लोगों के पास 40% संसाधन विद्यमान है, और वहीं 50% लोगों के पास मात्र 3% संसाधन उपलब्ध है। 1% लोगों के पास 40% संसाधन है, वहीं जो नीचे और हाँसी पर रहने वाले 50% लोग हैं उनके पास 3% आंकड़े 3% जो है संसाधन उपलब्ध है। तो ये कहीं ना कहीं आंकड़ा चौंकाने वाला भी है, और हमारी जो पॉलिसी है, हमारे जो योजनाएं हैं, हमारी जो नीतियां हैं उन पर विचार करने की आवश्यकता पर भी बल देता है, और उसमें सुधार की आवश्यकता पर बल देता है, या जमीनी स्तर पर उसके क्रियान्वयन में जो है नीतिगत बदलाव की तरफ जो संकेत करता है, जिससे कि इन अंतरों को जो है कम किया जाना संभव हो सके। इस बीच ऑक्सफैम ने भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से जो है बातचीत किया, और ये बताया कि आनुपातिक रूप से अगर देखा जाए तो भारत में जो निचले तबके के लोग हैं वह आनुपातिक रूप से अमीर वर्ग की अपेक्षा अपने वस्तु और सेवाओं पर ज्यादा खर्च करते हैं। ऐसा नहीं कि आंकड़े में ज्यादा खर्च करते हैं, किंतु अगर आनुपातिक प्रतिशत को देखा जाए तो उसमें ज्यादा खर्च करते हैं। कि किसी के पास अगर 1 करोड़ रुपए है और वह 10 लाख रुपए खर्च कर रहा है, और किसी के पास 20,000 की ही कमाई है और वो 10,000 खर्च कर रहा है, तो अगर प्रतिशत के आंकड़े को देखेंगे तो इसमें बहुत फर्क आएगा, और अमीर व्यक्ति ज्यादा खर्च करता हुआ नजर आएगा। तो कहने का तात्पर्य एक ये पक्ष हो गया, और दूसरा ऑक्सफैम ने
इस तरीके की अपेक्षा किया कि यहाँ पर अमीर वर्ग के ऊपर ज्यादा टैक्स इत्यादि की व्यवस्था किया जाए, जिसको अमीर वर्ग के द्वारा चुकाना चाहिए, जिससे दोनों के बीच के अंतर को कम किया जाना संभव हो सके। ये तो बात रही समानता के जो प्रत्यय को, ऑक्सफेम इंडिया की रिपोर्ट को, ऑक्सफेम इंडिया के द्वारा वित्त मंत्री से किए गए अपेक्षा को। अभी इसमें एक और चीज है जो हो सकता है, इसमें उपाय, सतत विकास और समावेशी विकास के अवधारणा को इसमें अपनाना होगा। सतत विकास और समावेशी विकास के अवधारणा को इसमें अपनाना होगा, जिससे न केवल हम विकास के रणनीतियों को जमीनी स्तर पर और प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा को बचाए रखते हुए तथा पर्यावरण की गुणवत्ता को बचाए रखते हुए जारी कर पाएंगे, बल्कि वहां पर समावेशी विकास के अंतर्गत हम लोग समाज के सभी लोगों को विकास की मुख्य धारा में लाने में सक्षम हो पाएंगे। इसके लिए व्यापक स्तर पर कार्य योजना बनाना होगा, लोगों के लिए कौशल विकास से संबंधित कार्यक्रमों को संचालित करना होगा, व्यवसाय उन्मुखी शिक्षा पर बल देना होगा और पाश्चात्य सभ्यता या भौतिकतावाद या उपभोक्तावाद पर हमें नियंत्रण स्थापित करना होगा और इस तरीके की संस्कृति का विकास करने पर बल देना होगा। अगर हम इन सभी तकनीकों को, इन सभी अवधारणाओं को अपने जीवन यापन में, अपने जीवन की संस्कृति में अपनाने में सफल होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इस असमानता को कम करने में सफल और सक्षम हो पाएंगे। तो कुल मिलाकर के जब आप किसी भी टॉपिक को, पॉइंट को पढ़ रहे हो, तो उससे जुड़ी हुई आगे पीछे के पक्षों और पहलुओं को आप लोग जरूर उसमें सम्मिलित करने का प्रयास कीजिए। जैसे हमारा कि आज के इस टॉपिक और संक्षिप्त चर्चा का उद्देश्य केवल ऑक्सफेम इंडिया की रिपोर्ट को दिखाना था, किंतु फिर भी मुख्य परीक्षा के अप्रोच को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उसमें समानता के जो है टॉपिक को भी सम्मिलित किया। हालांकि समानता का टॉपिक बहुत बड़ा है, परंतु फिर भी हमने संक्षिप्त में इस तरीके से बताने का प्रयास किया कि आप समानता के टॉपिक को समझ पाएं। और उसी से जुड़ा हुआ ऑक्सफेम इंडिया की रिपोर्ट है, जो ये दर्शाती है कि किस स्तर तक असमानता विद्यमान है और उस पर जो है उपाय क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे कि यह एक इंटरकनेक्टेड अप्रोच के माध्यम से उस टॉपिक को पूर्णता प्राप्त करता है, प्रदान करता है, जिससे उत्तर लेखन में आपके विचार और प्रस्तुति जो है प्रभावी बनेंगे। इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि यह जो अप्रोच है वो पूर्णता का अप्रोच होता है। कि जैसे जब आप किसी टॉपिक पर लिख रहे हैं तो वो केवल पॉइंट में नहीं लिखा जाता है, बल्कि उससे आगे पीछे की चीजों को जोड़ करके लिखा जाता है, उसमें कारण और प्रभाव को दिखाया जाता है, उसमें समस्याएं और उपाय को दिखाया जाता है, निष्कर्ष को भी दिखाया जाता है। तो इससे उत्तर प्रभावी होता है और संपूर्णता प्रदान करने के कारण से आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ये बताता है कि आप एक व्यापक दृष्टिकोण रखते हैं, और जब आप कहीं प्रशासन में पहुंचेंगे तो वहां पर आपका भी दृष्टिकोण व्यापक होगा, किसी समस्या से निपटने में जो है आप अच्छे तरीके से सोच पाएंगे और उसका अच्छा और बेहतर निष्कर्ष निकाल पाएंगे, जो कि जन समाज के लिए जो है उपयोगी और कल्याणकारी होगा। तो यही कुछ अप्रोच एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी आपसे चाहता है, आपसे अपेक्षा करता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह टॉपिक आपको जो समझ में आया होगा। और इस तरीके के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े, केवल आपका अध्ययन आंकड़ों पर नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ऑक्सफेम जैसी संस्था के द्वारा कोई रिपोर्ट जारी की जा रही है और एक वाक्य में अगर ये बताता है कि 1% लोगों के पास 40% जो है संसाधन है, तो यह एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्रभावी आपके उत्तर को बना सकता है, आपके उत्तर की दिशा को मोड़ सकता है, उसकी गंभीरता को बढ़ा सकता है। तो निश्चित तौर पर इन सभी पॉइंट्स को अपने उत्तर में शामिल करने का जरूर प्रयास कीजिए। उम्मीद करता हूं कि यह अप्रोच और इस टॉपिक पर जो कंटेंट है वो आप लोगों को समझ में आया होगा, आपके लिए उपयोगी होगा। न केवल प्रीलिम्स बल्कि मेंस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण है, तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। पुनः अगले लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपने पाठ्यक्रम का परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से बेहतर ढंग से अध्ययन करते रहिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।